आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आगरा कैंट पहुंचे सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है। यूपी के साथ एमपी के भी लोग ट्रेन से आगरा पहुंचे। बसों के माध्यम से सभी को उनके जिलों में पहुंचाया गया। खाने पीने की भी व्यवस्था। यात्री की ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। बड़ी संख्या में ट्रेनों को लाया गया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें अब तक पहुंच चुकी हैं। गुजरात के साबरमती से चलकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। श्रमिकों की स्पेशल ट्रेन में जहां मजदूर थे वहीं अन्य लोग भी शामिल थे जो लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे। सभी को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लाइन लगाई गई। जीआरपी आरपीएफ के साथ साथ सिविल पुलिस भी मौजूद थी। लॉकडाउन में फंसे लोगों का घर पहुंचना तय होने पर चेहरे पर भी साफ खुशी नजर आ रही थी। अहमदाबाद से आ रहे थे सर, वहाँ क्या करें, ये बीमारी फैल गई इस तरह की, तो वहाँ रोजगार था नहीं, इसलिए यहाँ आना पड़ा अपने देश में। घर पर काफ़ी टेंशन हो रही थी, जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि रास्ते में इतनी कंडीशन अपराध हो रही, काफ़ी तरह की अलग हो रही थी, इसलिए हाँ बढ़िया आराम से वहाँ से यहाँ से, क्योंकि वहाँ घनी बस्ती थी, यहाँ खुली बस्ती, अपनी शांत रहेंगे आप आराम से, बहुत खुश बढ़िया थी। अहमदाबाद से मेरे को परमिशन नहीं मिला, मैंने पर्सनल गाड़ी का परमिशन लिया था। मेरी मदर डैड कर गए, काफ़ी दिनों से घूम रहे, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भी भरे तो उसमें भी मेरा नंबर नहीं आया अभी तक कोई, तो इसके लिए वहाँ पे एक भैया थे हमारे, जैसे कि मकान में पहले रेंट पे रहते थे, तो अमर भैया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं कोई सब कार्ड वार्ड दिलाया और मतलब टिकट वगैरह तो सबकी लग रही, तो मेरी भी लगेगी, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है कि आज पहुँच जाना मुझे। प्रवासी मजदूर और अन्य लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद थे। देखिए, गुजरात से ये ट्रेन आई है, गुजरात से आगरा कैंट तक इसका स्टेशन है। उत्तर प्रदेश के विविध पार्ट्स के लोग इसमें अभी है, जिनकी व्यवस्थाएँ पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है, उनके लिए बसेस की अरेंजमेंट की गई है। साथ ही में खाने पीने के जो पैकेट्स है वो भी प्रॉपर तरीके से किए गए हैं। इनको छोड़ने के पहले अंदर थर्मल स्क्रीनिंग और बाकी के जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है वो किए जा रहे हैं। नाम नंबर सारी चीज़ें नोट की जा रही हैं। कितने लोग होंगे सर? लगभग 1200 के करीब होंगे लोग। कितनी बसों का सर इंतजाम किया गया है? लगभग 60 बसेस का इंतजाम। कहाँ कहाँ जाएंगे सर यहाँ से लोग? विविध पार्ट्स में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में के लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। बस में सर, एक बस में कितने टोटल लोग रहेंगे? और करीबन 25-30 लोग एक बस में जाते हैं। पुलिसकर्मी कैपेसिटी ज़्यादा है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करने हेतु उसमें कम लोगों को भेजा जाता है। जैसे जो रेलवे गुजरात की सूचना है उसके अनुसार लगभग 1200 लोग हैं, विभिन्न जनपदों के हैं, और ये इनको आने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कि कैसे ट्रेनें होंगी, तो 20 से हम लोग इनको एक एक कंपार्टमेंट से को रिलीज करते हैं, निकालते हैं। जब एक एक कंप्लीट हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाती है। हमारे यहाँ 6 टीमें लगी हुई हैं डॉक्टरों की, जो स्क्रीनिंग कर रही हैं। स्क्रीनिंग के बाद उसमें अगर स्क्रीनिंग में जो सफर जो निकल आता है तो उसको हम लोग भेजते हैं, जो कुछ सिम्टम्स निकलते हैं उनको हम रोक लेते हैं। रोकने के बाद फिर हम लोग इनको जो बस मेरी हैं, विभिन्न जनपदों के लिए बसें लगी हुई हैं, फिर इनको हम लोग एक एक करके रूट चार्ट बनाते हैं। रूट चार्ट के बाद उनको बसों में हम लोग बैठाते हैं और उसकी लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग करने के बाद वो लिस्ट हम लोग एक अपने पास रखते हैं, एक संबंधित जनपद के वहाँ डीएम और कप्तान साहब लोगों को भेजा जाता है। 60 से अधिक बसों से सभी को लाया गया था। सभी बेहद खुश थे, तमाम लोग पूरे परिवार के साथ में थे। ट्रेनों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में ट्रेनें चलाई गई हैं। ट्रेन के माध्यम से वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं और उसके बाद विभिन्न जिलों तक पहुंचाया जाता है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची, जिसमें 1200 से अधिक प्रवासी मजदूर थे जो लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे। स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद बसों में बैठाकर उनके जिलों पर रवाना कर दिया गया। खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि काफ़ी दिनों से वो फंसे हुए थे, अब वो अपनी जन्मभूमि में पहुंच रहे हैं, वो बेहद खुश हैं। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।